वार्म ग्रीटिंग फ्रेंड्स, मैं सीएस केके अग्रवाल, आईसीआई एंड आईसीएसआई टैक्स फैकल्टी, जीएसटी कंसल्टेंट। हम लोग ये पार्ट टू वीडियो में फर्दर डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी अमेंडमेंट क्लास जो 2019 एग्जाम के लिए मई, जून, दिसंबर, नवंबर। और हम लोग ये भी बता दें कि हम लोग टैक्स की वीडियो क्लासेस प्लस बुक्स दोनों बेचते हैं। आप हमारे वेबसाइट जाके पता कर सकते हैं, taxbykk.com। बाकी ये चार्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ, बुक्स के बारे में बता चुके हैं, इसके बारे में बता चुके हैं। अब आगे करते हैं। अब एग्रीगेट टर्नओवर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हमने लिखा है दिस डेफिनेशन कैचेस यू फ्रॉम बिहाइंड। जो जीएसटी के अंदर आने का, जीएसटी के दुनिया के अंदर आने का ये पहला दरवाजा है सेक्शन 22, और दूसरा दरवाजा है सेक्शन 24। और भी कई दरवाजे हैं, प्रिंसिपल रजिस्टर्ड हो गया तो एजेंट को रजिस्ट्रेशन ये सब करवाना पड़ेगा, तो वो सब छोटे छोटे दरवाजे हैं जो तुरंत आपको शिकार आपका हो जा कर लेता है ये जीएसटी। एग्रीगेट टर्नओवर में का डेफिनेशन सेक्शन 22 के लिए अलग काम करता है और कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए अलग काम करता है, लेकिन डेफिनेशन ऑलमोस्ट दोनों में सेम है। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर में कोई चेंजेस आया नहीं है, लेकिन सेक्शन 22 और 10 की लिमिट को चेंज किया गया है एग्रीगेट टर्नओवर का। तो वही हमने यहां पर बड़े मेमोरी चार्ट के रूप में इसको बता दिया गया। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन थे, वो 11 थे, और 31 जनवरी 2019 तक, यानी कि 1 जुलाई 2017 से 31 जनवरी 2019 तक, सेक्शन 10 में ग्रुप ए में 9 स्टेट्स, यानी कि 2 स्टेट को निकाल दिया गया, उत्तराखंड और जे एंड के, और इसमें लोअर लिमिट लगेगी, लोअर लिमिट यानी कि 75 लाख की लिमिट, और जो इनके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं उसमें हायर लिमिट लगेगी 1 करोड़ की। और यहाँ सेक्शन 22 एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ ग्रुप ए स्टेट, जहां पर सिर्फ जे एंड के को निकाला गया और इन स्टेट्स में लोअर लिमिट 10 लाख की, बाकी स्टेट में 20 लाख की। फिर 1 फरवरी 2019 से इन्होंने कोई चेंजेस नहीं है, सेम है, यानी कि ये 1 फरवरी 2019 तक जाएगा, लेकिन 1 अप्रैल 2019 से देखिए क्या चेंज किया। ग्रुप ए में पहले सेक्शन 10 में 9 स्टेट थे, अब 8 स्टेट है, जहां पर पहले उत्तराखंड नहीं था उत्तराखंड डाल दिया गया और हिमाचल प्रदेश को निकाल दिया गया, यहाँ हिमाचल भी नहीं है और आसाम भी नहीं है, तो 2 स्टेट को निकाला, 1 स्टेट को लेके आ गया, तो बचे 8 स्टेट, बाकी दूसरे स्टेट्स, यानी कि यहां पर लोअर लिमिट लगेगी। अब ये लोअर लिमिट सेक्शन 10 में कौन सी है, 75 लाख की है और 1.5 करोड़ की है, और क्योंकि ये 1 अप्रैल 2019 से आया है, इसका मतलब मई 2019 और जून 19 के लिए जो लिमिट है वो 75 लाख और 1 करोड़ है, स्टेट्स के नाम याद रखिएगा। और नवंबर और दिसंबर 19 के लिए सेक्शन 10 की जो लिमिट होगी वो होगी 75 लाख और इनके लिए 1.5 करोड़। और फिर उसके बाद क्या हुआ, सेक्शन 22 में सब कुछ चेंज है, सब कुछ सेम है, लेकिन 1 अप्रैल 2019 से उन्होंने क्या चेंज किया, देखिए 4 स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए 4 स्टेट 10 लाख, रिमेनिंग स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए 20 लाख, लेकिन उन्होंने और एक लिमिट सेक्शन 23 में डाला बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन जो लेके आए, और अगर कहा अगर आप एक्सक्लूसिव गुड्स कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव गुड्स नॉट सर्विसेज, ओनली गुड्स, वो भी इंटरेस्टेड, तो 40 लाख है, तो 40 लाख है, और अगर रिमेनिंग स्टेट है तो 20 लाख है। और 1 अप्रैल 2019 से सेक्शन 22 में वो जो चेंज लेके आए वो ये लेके आए, ग्रुप ए स्टेट जो गुड्स और सर्विसेज दोनों कर रहे हैं उनके लिए 10 लाख और बाकी के लिए ग्रुप बी स्टेट्स के लिए 20 लाख गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन कोई सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुड्स कर रहा है वो भी इंट्रा स्टेट, और वो ग्रुप, ये ग्रुप डी होगा, तो वो ग्रुप डी स्टेट बोलेंगे और उसके लिए 40 लाख है, इनके लिए भी 20 लाख ही है। तो ये नोटिफिकेशन सेक्शन 23 में लेके आया, और इसको अगर समझना अच्छी तरह से तो हमने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है जिसको हम लोग जीएसटी रेडीमेड सॉल्यूशन बोल रहे हैं, और उस एक्सेल शीट में हर एक स्टेट के बारे में हमने लिखा है, सेक्शन 10 की अलग अलग लिमिट और सेक्शन 22 की अलग अलग लिमिट, 1 अप्रैल 2019 से पहले भी और बाद का भी हमने सब कुछ लिखा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो। और ये हमने ये लिमिट डाला सेक्शन 10 अपर लिमिट एंड सेक्शन 22 थ्रेशोल्ड लिमिट। इन्होंने सेक्शन 10 में एक चेंजेस और लेके आए, वो ये था, और वो भी 1 फरवरी 2019 से लेके आए, कि अगर जैसे तीन ही तरह के लोग हैं जो कंपोजिशन में आ सकते हैं, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर
और एक फूड जो सप्लाई करता है। मैन्युफैक्चरर ट्रेडर अगर एक रुपया का भी सर्विसेज प्रोवाइड करता तो वो बाहर आ जाता था। तो उनको एक लिमिट दे दी कि आप 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और 5 लाख विच एवर इज हायर की आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, स्टिल यू विल बी इन कंपोजिशन। तो ये कब से आया? 1 फरवरी 2019 से। तो अगेन ये वाला मई और जून 19 एग्जाम के लिए नहीं है। किस एग्जाम के लिए? नवंबर और दिसंबर 19 एग्जाम के लिए। यानी कि जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, याद रखिएगा, मई और जून के लिए तो बहुत कम अमेंडमेंट्स हैं, जितने भी मेजर अमेंडमेंट है वो नवंबर और दिसंबर 19 एग्जाम के लिए भी है। और ये किताब में हमने सब कुछ अपडेट किया हुआ, सब कुछ अपडेटेड है। ये हमने मेमोरी चार्ट बना दिया, देखिए हर एक स्टेट का हमने लिमिट लिखा हुआ, हर एक स्टेट का लिखा हुआ है। और ऐसे ही एक्सेल शीट में बना दिया। एक्सेल शीट में तो फॉर्मूला है, आप स्टेट सेलेक्ट कीजिए, वो अपने आप खुद बता देगा। गुड्स का टर्नओवर डालिए, सर्विसेज का टर्नओवर डालिए, अपने आप वो सब कुछ बता देगा कि आप कंपोजिशन, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, कैंसिल करवाना है, क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग दैट एक्सेल शीट विल सजेस्ट। अब फिर ये कंपोजिशन लेवाइए, जितने भी अमेंडमेंट्स आने थे मैं सब कुछ आपको बता ही चुका हूँ। एक सर्कुलर आया था 31 दिसंबर 2018 को, जो ऑब्वियसली इस दोनों डेट के बाद है, तो नवंबर और दिसंबर 2019 एग्जाम के लिए ये एप्लीकेबल है। यहाँ पर इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन, कंपोजिशन स्कीम से बाहर आते हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्टिव डेट, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये हमने अपने वीडियो क्लासेस में एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये वही है कंपोजिशन स्कीम ऑफ सर्विसेज, लेकिन हम इसको बेसिकली कंपोजिशन स्कीम ऑफ सर्विसेज नहीं बोलते। आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों है। और ये 1 अप्रैल 2019 से आए, अगेन नवंबर और दिसंबर 19 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो जो मई और जून एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये ऑब्वियसली अमेंडमेंट नहीं है। रजिस्ट्रेशन कैच मी नाउ। अब याद रखिएगा, इस किताब की खास बात यही है कि हर एक चैप्टर के साथ एक कोटेशन छोटा सा लिखा हुआ है, जो आपको पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में एकदम शॉर्ट में 3-4 वर्ड्स में उसकी कहानी बताता है। ये पिक्चर्स हमें चेंज करना है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, हम लोग इसका पिक्चर्स भी चेंज करेंगे। देखिए सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन, बहुत 19 जून 2017 को आए, 14 सितंबर 2017 को आए, फिर ये वाला नोटिफिकेशन जो आया बहुत बार चेंज भी हुआ ये नोटिफिकेशन, आप देखिए, फिर 14 सितंबर 2017, 13 अक्टूबर 2017, 15 नवंबर 2017, ये 7 मार्च 2019 को, यानी कि इससे पहले जितने भी नोटिफिकेशन वो मई जून 19 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, ये 7 मार्च वाला जो नोटिफिकेशन है वो अगेन नवंबर और दिसंबर 19 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, जो 40 लाख वाला बताता है एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। और इसमें देखिए आइसक्रीम, पान मसाला और टेबेको प्रोडक्ट्स को 20 लाख एप्लीकेबल होगा, तो इस तरह से, और वो सारे स्टेट्स के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। अब वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और हमारी वीडियो क्लासेस अगर आपने नहीं खरीदी हुई तो उसको खरीद जरूर लीजिएगा, उससे आपको अच्छा जीएसटी समझ में आएगा। अच्छा का मतलब अच्छा, बहुत अच्छा। अब सेक्शन 24 जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में है, वो ये इंटर स्टेट जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करेगा उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। 13 अक्टूबर 2017 को आया कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज करेगा तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, अगर वो लिमिट के अंदर है, 10 लाख या 20 लाख के लिमिट के अंदर है। 40 लाख इसलिए नहीं लिखा यहाँ पर क्योंकि 40 लाख की लिमिट सिर्फ एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, वो भी इंट्रा है। फिर 15 नवंबर 2017 को अगेन आया कि अगर कोई सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है, देखिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो उसके लिए भी लिमिट 10 लाख और 20 लाख है। यानी कि जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है, इंट्रा हो, इंटर हो, खुद का हो या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो, तो उसके लिए ये 10 लाख और 20 लाख की लिमिट है। और अगर अर्बन क्लैप ये सब के थ्रू है तो वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 भी आपको चेक करना पड़ेगा। और हमने जब सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 अपने किताब में भी डिस्कस किया और वहाँ भी वीडियो क्लासेस में भी डिस्कस किया, बुक्स में भी डिस्कस किया है, हमने सारा कुछ एक निचोड़ एक जगह हमने रखा है, किताब में भी है और वहाँ भी है, वीडियो में भी है। फिर एक अच्छा चेंज आया कि एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये ओल्ड लॉ है, उसमें लिखा हुआ था कि अगर मैं अपना वेबसाइट चला रहा हूँ एज ए कॉमर्स ऑपरेटर तो मुझे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी थी, 1 रुपया का भी अगर मैं करता हूँ। लेकिन 29 जनवरी 2019 यानी कि इफेक्टिव 1 फरवरी 2019, अगर मैं अपना ई कॉमर्स ऑपरेटर चल रहा हूँ और किसी और का गुड्स और सर्विसेस अपने वेबसाइट पर नहीं बेच रहा हूँ तो मुझे 10 लाख और 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी। ये चेंजेस है। फिर सेक्शन 24 का मेमोरी चार्ट बहुत अच्छा बनाया हुआ, आपके पास ये किताब नहीं है तो मुझे दुख है, आपके पास चाहिए आपको ये बुक। ये देखिए एक एक डेट, एक एक चीज हमने बताया हुआ है। ये देखिए सप्लाई थ्रू अदर्स ई कॉमर्स वेबसाइट, अगर गुड्स है सर्विसेस है, एक एक डेट के साथ है, क्या चाहिए आपको और?
इसके बाद रूल्स आ गए प्रोसीजर, इसमें कई कई कुछ कुछ जगह चेंजेस है। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सबको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है इवन इन सेम स्टेट। पहले रूल्स में था, इसको सेक्शन में शिफ्ट कर दिया गया बस। अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, अब देखिए इसमें आई टॉक्ड, आई निगोशिएटेड, आई ऑर्डर्ड, ही सप्लाइज, आई रिसीव, आई पे, ये पूरा का पूरा चैप्टर में देखिए आप कैसे सामान कैसे खरीदते हैं। पहले आप बात करते हैं क्वालिटी के बारे में, टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, फिर आप प्राइस का निगोशिएशन करते हैं, फिर सब कुछ हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर आप ऑर्डर करते हैं, वो सप्लाई करता है, आप रिसीव करते हैं, वो आप फिर पे करते हैं। तो इसमें ऊपर आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर तो यही है, ऐसे ही चलता है, उसी का टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो इसको हम लोग आगे चलते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, आई केम, आई सैट, आई ड्रैंक, आई ऑर्डर, फूड केम, एट फूड, बिल केम, आई पे, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। ये सेक्शन 14 है, कोई चेंज नहीं है। फिर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वहीं का वहीं है। रूल्स में चेंज है जो वॉल्यूम 2 में हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन जहां तक एक्ट के बारे में बात है वहां कोई चेंजेस नहीं है। एक सर्कुलर आया 7 मार्च 2019 का, जहां फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स, ये सब का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, ये सब हमने वीडियो क्लासेस में पहले ही समझाया हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने और क्लैरिटी दी है बस। बाय मोर सेम मोर ऑफर्स, ये सब सर्कुलर, सेकेंडरी डिस्काउंट्स, वैसे कोई चेंजेस नहीं है। फिर ये बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। फिर एक सर्कुलर आया 8 जून 2018 को, अगेन फाइनल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने मोल्ड्स और डाइस में दे रहा हूं किसी को, कि आप मेरे मोल्ड्स और डाइस को यूज करके मुझे एक प्रोडक्ट बना के दीजिए, तो क्या मोल्ड्स और डाइस का वैल्यू उस प्राइस में, गुड्स के प्राइस में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, और मैं फ्री ऑन कॉस्ट दे रहा हूँ, तो FOC उसी को बोलते हैं। तो ये सर्कुलर उसी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है फाइनल वालों के लिए। फिर 5 नवंबर 2018 को आया, तो ये प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप को बताया गया, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, अगेन इंपॉर्टेंट, अगेन फाइनल वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आपके साथ।